सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। रंका प्रखंड के खडिया पंचायत के बजनवा महावीर मंदिर में रामनवमी के साथ नवा परायण यज्ञ को लेकर की गई बैठक। इस संबंध में बताते चले कि रंका प्रखंड के खडिया पंचायत के बजनवा महावीर मंदिर परिसर में रामनवमी के साथ साथ नवा परायण यज्ञ की कराने को लेकर लेखक पारसनाथ पांडे की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस संबंध में पूजा कमेटी के अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामनवमी पूजा के साथ यज्ञ कराना है, जिसे लेकर आज खडिया पंचायत के पूरे ग्रामीण जनता के साथ बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर्षोल्लास के साथ रामनवमी पूजा के साथ यज्ञ किया जाएगा, जिसे लेकर बैठक की गई। बैठक में बनारस से पंडित को बुलाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही कहा गया कि विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि पप्पू यादव ने कहा कि पूर्व की कमेटी को इस वर्ष भी पूजा कराने का दायित्व सौंपा गया है, क्योंकि अगले वर्ष भी यह कमेटी काफी अच्छे ढंग से पूजा कार्यक्रम कराया था, इसलिए इस वर्ष भी इन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे लेकर आज बैठक की गई है। रंका से विकास कुमार की रिपोर्ट। आज बैठक यहाँ बजनवा घाटी के प्रांगण में यहाँ दुर्गा मंडप में बुलाई गई थी। यह रामनवमी की पूजा के अवसर पर नवा परायण यज्ञ जो विगत 2 वर्षों से होते आ रहा है, पुनः हम लोग यह मनाने का निर्णय लिए हैं। यह निर्णय लिए हैं कि इस बार भी यहाँ रामनवमी पूजा के अवसर पर नवा परायण यज्ञ हो। इसका सर्वसम्मति से यह समिति का अध्यक्ष जो विगत 2 वर्षों से रहा है, बहुत ही इनका सराहनीय योगदान रहा है। इस बार भी हम लोगों के गार्जियन तड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया श्री पारसनाथ पांडे जी को अध्यक्ष चुने गए हैं। हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर यह नवा परायण यज्ञ का पूजा कमेटी मिलकर सभी पूजा कमेटी सभी पंचायतवासी का सहयोग रहता है। सभी लोग हम लोग मिलकर यह पूजा नवा परायण यज्ञ का कार्यक्रम को सफल बनाने का यह बैठक किए हैं। और यह कार्यक्रम में शाम को प्रत्येक दिन प्रवचन होगी। सुबह में फर्स्ट दिन 22 तारीख को जो एकम रहेगा उस दिन कलश यात्रा होगी, और प्रत्येक दिन शाम को जो गंगा आरती बनारस में आप देखते हैं गंगा घाट में, वह आरती यहाँ पे भी इस बार अध्यक्ष जी के द्वारा हम सभी लोगों के बीच में यह निर्णय लिया गया है कि यह गंगा आरती भी अब इस साल प्रत्येक दिन मतलब एकम से लेकर नवमी तक प्रत्येक दिन यह गंगा आरती होगी। हम पंचायतवासी प्रखंडवासी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा विनती रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, चूंकि यह गंगा आरती हमारे रंका प्रखंड में कभी नहीं हुआ है। हमको पता नहीं है कि गढ़वा में भी शायद हुआ होगा कि नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यह प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में माताएँ एवं बहनें श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँचें, और यहाँ बजनवा घाटी के प्रांगण में जो गंगा आरती का कार्यक्रम जो हम लोगों ने यह रखा है प्रायण यज्ञ के अवसर पर, तो आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक माताएं बने सभी लोग आएँ और गंगा आरती का माता का जो गंगा आरती होगा उसमें आएँ और उसमें शामिल हैं और पुण्य की भागी बने। जय जय श्री राम। रामनवमी पूजा को लेकर बैठक किया गया, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि सबको मिलकर सहयोग करना है, चंदा के लिए देखभाल के लिए मंदिर साफ सफाई जगमंडप बनाने के लिए जो भी जग से संबंधित है सबका कार्यक्रम सबको बांट दिया गया, विभाग बांट दिया। पूर्व की भांति हमको अध्यक्ष बनाया गया है, अन्य लोग उसके पदाधिकारी बनाए गए हैं, और जो है सब होली के बाद से संदर्भ कार्यक्रम चलेगा। पूर्व की भांति जो है वाराणसी से सब पंडित लोग आएंगे और जग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अच्छा, कई दिन कार्यक्रम चलेगा? 9 दिन। अच्छा, कमेटी का गठन भी किया गया है? कमेटी का गठन भी किया गया है, बताइए जरा एक बार विस्तार से बताइए। एक बार बताइए कौन क्या बनाया गया है जरा। हमको पूर्व अध्यक्ष का पद दिया गया है। क्या नाम आपका? पारसनाथ पांडे जी। अध्यक्ष दिया गया, राजमोहन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है, अमरेश पांडे को सचिव बनाया गया है, उप सचिव पूरन सिंह सरासन बनाया गया है, संरक्षक पप्पू यादव, कोषाध्यक्ष पप्पू यादव, मुकेश तिवारी, उप कोषाध्यक्ष विनोद पांडे, राजीव रंजन यादव कोषाध्यक्ष, और मीडिया प्रभारी अरुण यादव, प्रमोद यादव, जल प्रभारी बैनाथ यादव, किशन यादव, सफाई प्रभारी अरुण लाल, किशन यादव, उमेश यादव, खाद्य मंत्री अभय पांडे,
विनोद पांडे, प्रसाद वितरण रवि पांडे, रवि तिवारी, बिजली व्यवस्था विजय यादव, सुरक्षा प्रभारी अश्विनी पांडे, पंकज पांडे, पुजारी सेवक अभय पांडे, अभय पांडे विनोद पांडे, रामप्यारी यादव, चंदा प्रभारी बुधन यादव, गोरख यादव, अनिल पांडे, गांव के चंदा रामप्यारी यादव, संजय यादव, गोरख यादव, बिहारी यादव, संरक्षक अध्यक्ष पांडे, सुजन यादव, बिहारी यादव, कुमार यादव, योगेंद्र यादव, गोरख यादव, लाल बिहारी यादव, सुरेश मुकेश पांडे, लव पांडे, बबलू यादव, सुरेंद्र यादव, मिथिलेश यादव, वृक्ष भूया, शिवनारायण। ठीक है, ठीक है। कितने भव्य तरीका से मनाने का निर्णय लिया गया है? पिछले वर्ष कितना अच्छे रूप से आप लोग मनाने के फैसले? इस बार विशेष रूप से गंगा आरती का आयोजन किया गया है, पूर्व में आज तक कभी नहीं हुआ था इस इलाके में, चाहे यहाँ वो भी 9 दिन चलेगा।